सावन के महीने में शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि के दिन हरियाली तीज का त्योहार मनाया जाता है, जो कि इस साल 11 अगस्त यानी कि कल है। शादीशुदा महिलाएं इस दिन हरियाली तीज का व्रत रखती हैं और माता पार्वती और भगवान शिव की पूजा करती हैं। ये त्यौहार पति की लंबी उम्र की कामना के लिए किया जाता है, लेकिन व्रत से एक दिन पहले सर्गी होती है जो सास अपनी बहू को देती है, जिसमें सुहाग की चीज़ें और खाने पीने की चीज़ें शामिल होती है। ऐसे में अगर आप हरियाली तीज का व्रत रखने जा रही हैं तो आइए आपको बताते हैं कि सर्गी के वक्त आपको क्या खाना चाहिए, जिससे बाद में आपको भूख प्यास ना लेते। आप चाहें तो अनार का जूस ले सकती हैं या अनार खा सकती हैं, क्योंकि अनार का जूस या अनार खाने से आपको दिन भर एनर्जी मिलेगी। ताजे फल खाएं, क्योंकि ताजे फल में पानी की मात्रा ज़्यादा होती है। ऐसे में सर्गी में ताजे फल खाने से आपको दिन भर शरीर में हाइड्रेशन की कमी महसूस नहीं होगी। इसके बाद ड्राई फ्रूट्स का भी सेवन आप कर सकती हैं, क्योंकि ड्राई फ्रूट्स खाने से आपको दिन भर एनर्जी मिलेगी। सर्गी में आप नारियल पानी भी पी सकती हैं, क्योंकि दिन भर इससे आपका शरीर हाइड्रेट रहेगा। अगर आप निर्जला व्रत रख रही हैं उसके बावजूद आप में पानी की कमी नहीं होगी। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। ऐसी ही तमाम जानकारियों के लिए बोल्ड स्काई को सब्सक्राइब करना ना भूलें।